इस ईद पर अगर आप कुछ बेहतरीन कुछ नया और कुछ बहुत ही मज़े का खाना चाहते हैं तो फिर बनाइए ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा घर में अगर सिर्फ आधा किलो दूध हो और कुछ बची हुई ब्रेड तो उससे बनाइए मज़ेदार सा मीठा बिसमानरिम असलकुम वेलकम टू लाजवाब पकवान लाजवाब पकवान में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मीठा तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं बिसम्ला करते हैं तो चलिए मज़ेदार जी स्पेशल मीठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ब्रेड के स्लाइसिस ब्रेड के स्लाइसिस के कॉर्नर्स को हम तेज़ नाइफ की मदद से रिमूव कर देंगे लेकिन हम इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे इससे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे जो कि बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं इसी तरह से हम सेंटर से इसको कट करके दो पीसीस में डिवाइड कर लेंगे और जितने भी आपने ब्रेड स्लाइसिस लिए और सबके काउंटर्स को पहले रिमूव करेंगे और इसके बाद इसको सेंटर से भी कट कर लेंगे अब एक लिया है मैंने पैन इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने हल्का सा फ्लेम को ऑन कर लिया है और सारे जो स्लाइसिस मैंने कट करके रखे थे वो इसमें रखूँगी और इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी मीडियम फ्लेम पर बस हमने इसका हल्का सा गोल्डन कलर लेके आना है प्यारा सा ताकि ये क्रिस्पी हो जाए ये रोस्ट हो जाए अब एक पैन लेती हूँ जिसमें मैंने डाली है तकरीबन एक कप चीनी साथ ही मैंने इसमें डाली है दो से तीन इलायची वन टी फूड कलर और तकरीबन एक डेढ़ कप मैंने इसमें डाला है पानी का अब यहाँ पर हमने एक या दो तार के शीरा नहीं बनाना बस हमने चीनी को मेल्ट करना है हमने इतना पकाना है कि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और मेल्ट होने के बाद हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद अब एक पैन में लेती हूँ तकरीबन एक किलो दूध दूध को मैंने अच्छे से बॉईल देना है तब तक हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं लेती हूँ बाउल जिसमें मैंने ऐड किए हैं चार टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन एक कप ठंडा दूध अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है इस पॉइंट पर आपने स्पैचुला को मसलसल हिलाते रहना है क्योंकि अगर इस पॉइंट पर दूध गिर गया तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है आधा कप मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी का अब जो मिक्सचर मैंने बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे इस पैचूला को अब मसलसल हलाते रहेगा और हमने चम्मच को मसलसल हलाते रहना है तकरीबन तो सात से आठ मिनट तक जब तक हमने इसकी पकाई करनी है चम्मच को हलाते रहना है नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और इसकी गुटलियाँ बन जाएंगी सात से आठ मिनट हो चुके हैं अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा अब इसको काउंटर पर रखते हैं और ठंडा कर लेते हैं ठंडा करने के बाद मैंने इसमें डाला है ऑल पर क्रीम का आधा पैक डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे बहुत सा क्रीमी सा टेस्ट आ जाएगा अब जो पहले से ब्रेड के स्लाइस थे हमने रोस्ट करके रखे इसको हम कंबाइन कर लेंगे और इसके ऊपर जो मैंने सिरप बना के रखा था शुगर का वो ऐड कर लेंगे बहुत ही मज़ेदार मीठा ये बनकर तैयार होगा ईद के लिए बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है घर वालों को बनाकर खिलाएं उनसे ईदी ने जो ना भी आपको ईद देना चाहते हो वो भी आपको ईदी देंगे इतना मज़े का ये मीठा बनकर तैयार होगा ऊपर से हमने जो बना के रखा था कॉर्नफ्लोर का मिक्सर वो ऐड करेंगे दोबारा से ब्रेड स्लाइसिस ऐड करेंगे और शुगर सिरप ऐड करेंगे इसी तरह से आपने अपने बर्तन के अकॉर्डिंग या बाउल के अकॉर्डिंग जितनी भी लेयर्स बनानी हो ल, बना सकते हैं मैंने तीन लेयर्स बनाई थी क्योंकि मेरी बाउल में इतनी ही क्वान्टिटीटी थी और लास्ट पर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे दोबारा से कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ये इतनी मज़े की रेसिपी है यकीन करें सवैया कस्टर्ड ये सबको पीछे छोड़ देगी एक दफ़ा मीठे में ये बना कर खिलाएँ घर वाले बहुत शौक से खाएंगे लास्ट में हम इसके ऊपर लगा देंगे कुछ ड्राई फ्रूट बादाम मैंने काट ली थी बारीक बारीक लंबी वो ऐड करेंगे तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब हमारा ईद का मीठा रेडी है तकरीबन तीन से चार घंटे उनको फ्रिज में लाजमी रखेंगे ठंडा करने के बाद एक पीस निकालती हूँ और आप देख सकती हैं कितने मज़े का कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका रेसिपी अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नान